हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। देखिए, बात करेंगे यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 की कंप्लीट तैयारी के लिए। आप सभी लोग जुड़ सकते हैं नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में देखिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ऑल करके, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोज़ लाइव क्लास के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाएँ। देखिए, ये साइंस का क्लास आज नहीं हो पाया, टर्न आपका साइंस के क्लास का था, यानी सेकंड पेपर का आज आपका टर्न था। तो प्रैक्टिस सेट नंबर ये आपका 29 है और ये 7:30 बजे आपका सेशन हो रहा है, ठीक है, 7:30 पे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। जो हमारे प्यारे भाई बहन जुड़ते आ रहे हैं, भाई वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं भाई, कमेंट सेशन में यस करें और फटाफट से अपने आंसर्स कमेंट सेशन में देंगे, थोड़ा स्पीड में ये सेशन को शेयर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलो भाई, ये पहला प्रश्न रहा आपके सामने और इसमें कह रहा बताइएगा, थोड़ा सा बोल्ड हो गया है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं, 8, 30, 32, 34। तो राइट आंसर अपना कॉमेंट सेशन में कॉमेंट करके बताएंगे। तो मनुष्य की हड्डी में कितनी अस्थियाँ होती हैं, 8 अस्थियाँ होती हैं। कितनी होती भाई, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं, 8। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, आधुनिक मनुष्य का हाल का जो पूर्वज है वो कौन है, जावा मनुष्य है या फिर आपका दिया गया है यहाँ पर क्रोमेग्ना मनुष्य और नियंडरथल मनुष्य दिया है और यहाँ पर पीकिंग मनुष्य दिया गया है, ठीक है। थोड़ा बोल्ड हो गया तो ध्यान दीजिएगा, आंसर अच्छे से दीजिएगा। 184 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, क्रोमेग्नान मनुष्य। नेक्स्ट आएंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 185 है, कह रहा बताइएगा, माँ पौधों की भांति पौधा मिलता है, ठीक है, तो बीजों से, तना काटने से, इन दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए आपका, 185 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इन दोनों से, मतलब बीजों से भी और तना काटने से भी, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। तो इस प्रकार से बीजों से भी हमें पौधा मिल जाता है और तने काट करके भी हम पौधा लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आएंगे, तो 186 नंबर प्रश्न में है, कह रहा है 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है, तो 80% से अधिक जो सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है वो कौन सा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाता है जल, ठीक है। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है भाई, जल है। तो 86 पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कह रहा भाई 87 में इंसुलिन प्राप्त होता है अदरक के प्रकंद से और यहाँ पर दिया गया है डहेलिया की जड़ों से, बालसम पुष्प से, आलू के कंदन से, ठीक है, आलू कंद से कह सकते हैं या आलू के कंद से। तो यहाँ पर 187 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, डहेलिया की जड़ से इंसुलिन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर 188 में, कह रहा बताइए हर गोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया, तो हर गोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया, इसके लिए राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जीन के संश्लेषण के लिए, ठीक है, जीन के संश्लेषण के लिए हर गोविंद खुराना को इस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे 189 पे कह रहा है संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, कमल है, रेफ्लिशिया है, बहुत बड़ा, कैक्टस, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 189 का क्या होगा भाई, फटाफट से बताएंगे, तो रेफ्लेशिया हो जाएगा, संसार का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेशिया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आएंगे अगले प्रश्न में 190 में, 190 कह रहा है तना काट आमतौर के, यहाँ पर दिया गया तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है, केला, गन्ना, आम और कपास, मतलब तना काट करके आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो प्रयोग है वो हम लोग कर लेते हैं गन्ने में, मतलब गन्ने को क्या है ना कि उसका जो है तना काट करके प्रवर्धन के लिए प्रयोग में ले लेते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे, मटर पौधा है, शाख, पुष्प, झाड़ी, मतलब मटर पौधा जो है वो किस कैटेगरी में आता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, 191 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, शाख। नेक्स्ट आएंगे अगले क्वेश्चन में 192 में, कह रहा बताइए विकास का मुख्य कारण है, तो यहाँ पर दिया गया है उत्परिवर्तन, हासिल किए हुए गुण, लैंगिक जनन, प्राकृतिक वरण, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है 192 में ऑप्शन नंबर आपका ए, उत्परिवर्तन जो कि विकास का
मुख्य कारक है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 193 नंबर पे, कह रहा बताइए मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है या फिर शारंद्री होती है, ठोस होती है या फिर कीलक होती है। तो भाई आपको राइट आंसर कमेंट्स में कमेंट करके बताना है यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। राइट आंसर हो जाता है खोखली होती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया 195 नंबर में, कह रहा बताइए तब कोई प्रक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से। तो यहाँ पर दिया गया है अल्यूमिनियम के, तांबे के बर्तन और ये कार्बन के और लोहे के, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, मतलब तब कोई प्रक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से, किसके ऊपर से। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना होगा ऑप्शन नंबर ए, एल्यूमिनियम के ऊपर से। नेक्स्ट क्वेश्चन 196 नंबर है, यहाँ पे कह रहा बताइएगा स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके होंगे तो उम्मीद है आप सभी लोग इसका कमेंट सेक्शन में राइट आंसर जरूर देंगे। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसकी, तो यहाँ पर भाई राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है, लोहे और क्रोमियम। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे 197 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है और यहाँ पर आपसे पूछा ये जा रहा है बताइएगा निकोलस कॉपरनिकस प्रसिद्ध हैं, ये किस लिए प्रसिद्ध हैं, निकोलस कॉपरनिकस किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो दूरबीन के आविष्कार के लिए या फिर कैलकुलस की खोज के लिए, ये दो ऑप्शन यहाँ पर ये हो गए, यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना कि पृथ्वी के। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, मानव शरीर की शल्य क्रिया का अध्ययन करने के लिए। तो यहाँ पर 197 का राइट आंसर यानी 197 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, कॉपर जो निकोलस हैं ये प्रसिद्ध हैं, किस लिए प्रसिद्ध हैं, निकोलस कॉपरनिकस, ये बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना कि पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है 198 नंबर पे, क्या कह रहा भाई यहाँ पे 198 नंबर में देखेंगे तो थोड़ा सा बोर्ड है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सीधोत्पादी रिएक्टर है, बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर है जो बिजली उत्पन्न करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि ये किस प्रक्रिया के द्वारा, मतलब सौरल सेलों की सहायता से करता है या फिर विगल प्रक्रिया के द्वारा करता है या इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फिनाइल सामग्रियों को जलाने तथा उन्हें पुनः उपयोग करने के द्वारा या फिर कठोर जल का शोधक के रूप में उपयोग करके। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या करना है, देखो यहाँ पर डी ऑप्शन नहीं, गलत प्रिंट हो गया है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर लेना होगा ऑप्शन नंबर सी। सी में कह रहा है इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फिनाइल सामग्रियों को जलाने तथा उन्हें पुनः उपयोग करने के द्वारा। तो राइट आंसर 198 का ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है परमाणु ऊर्जा में, इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे, यहाँ पर 199 में परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जो जनक है वो कौन है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा, फटाफट से कमेंट से समय कमेंट करके बताएंगे। राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए, एस जे भाभा। ठीक है, भाभा से याद रखिएगा। ठीक है, एच जे भाभा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 200 में कह रहा बताइए अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है, किसे जाता है भाई, एस भटनागर को, वी साराभाई को, एस जेड कासिक को या सीवी रमन को। तो राइट आंसर यहाँ पर 200 में ऑप्शन नंबर बी, वी साराभाई को जाता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 201 नंबर है, 201 में भाई क्या कह रहा है, ध्यान से आंसर दीजिएगा। यहाँ कह रहा है वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं, ये किस लिए प्रसिद्ध हैं, हाइड्रोजन की परमाणविक संरचना की व्याख्या के लिए या प्रकाश के विद्युत प्रभाव के लिए। ऑप्शन नंबर सी है प्रथम नाभिकीय रिएक्टर बनाने के लिए, न्यूट्रॉनों के अस्तित्व की भविष्यवाणी के लिए। तो 201 नंबर का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी करना होगा, जो कि अल्बर्ट आइंस्टीन जो है ये प्रकाश के विद्युत प्रभाव के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है भाई, अगले प्रश्न में आएंगे 203 नंबर है और 203 नंबर में क्या कह रहा भाई, ध्यान से आंसर दीजिएगा, ये सारे ऑप्शंस आपके सामने रहे, आपके स्क्रीन के सामने दिया गया है। एम्फीबिया बताता है, एम्फीबिया क्या बताता है, बहुत तेज़ी से चलने वाली नावों को, केवल जल में ही रहने वाले पशुओं को, केवल स्थल पर ही रह सकने वाले पशुओं को या फिर जल और स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को। तो एम्फीबिया बताता है जल और स्थल दोनों में रहने वाले पशुओं को, ठीक है, या रह सकने वाले पशुओं को।
नेक्स्ट है आपका 204 नंबर, इसमें मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपको ये बताना है। तो चार कथन दिए गए हैं, ये परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाने वाली है बीमारी है या फैलाई जाती है, यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है, इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग होता है। तो भैया ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जिसकी डिमांड अभी की गई थी। तो भाई यहाँ पर 204 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो कि ये सत्य नहीं है, क्योंकि ये दिया गया है यहाँ पर कि परोपजीवी कीटों द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 205 नंबर में, कह रहा बताइए 20 नवंबर 1997 को छेड़े गए अमेरिकी स्पेस शटल का नाम था। तो यहाँ छेड़े गए नहीं, ये तो गलत हो गया भाई, गलत लिखा हुआ है, छोड़े गए अमेरिकी स्पेस शटल का नाम क्या था, ठीक है, वही मैंने भी पढ़ लिया, चलो कोई नहीं। 205 नंबर प्रश्न में राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, कोलंबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, अगला क्वेश्चन है गामा किरणें क्या है भाई, 206 नंबर पे गामा किरणें क्या है भाई, उच्च ऊर्जा वाले विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, या फिर उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन हैं, या फिर निम्न ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन हैं, या उच्च ऊर्जा वाले पॉजिट्रॉन हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, उच्च ऊर्जा वाले विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 207 नंबर है, नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तन है, नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तन है तो यूरेनियम का अल्फा कणों से, या फिर पिंड का ऊर्जा से, या प्रोटोन का न्यूट्रॉन में, या फिर प्रोटोन का इलेक्ट्रॉन में। तो राइट आंसर यहाँ पर 207 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूरेनियम का अल्फा कणों से, जो कि नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे 208 नंबर दिया गया, कह रहा है जिन धातुओं को पीट कर पत्थर कर, मतलब पत्थर कर दिया जाता है, या फिर धातुओं को पीट कर पत्थर का रूप दे दिया जा सकता है, वह कौन सी धातुएं होती हैं, मतलब किन्हें कहते हैं, वो क्या कहलाती हैं। तो यहाँ पर भैया राइट आंसर आपको क्या करना होगा, ऑप्शन नंबर सी करना होगा, ना तो ये लचीली नहीं होती हैं, ना तो सुनमय होती हैं, ना ही भुरभुरी, ये कैसी होती हैं धातुएं, ये जो धातुएं होती हैं ये तन्य होती हैं, तो इनको क्या कहते हैं, वह तन्य, क्योंकि यहाँ पर जिन धातुओं को पीट कर पत्र कर रूप दे दिया जाता है तो वो तन्य कहलाती है, ठीक है भाई। नेक्स्ट आएंगे आखिरी क्वेश्चन, ये रहा 209 नंबर, कह रहा निम्नलिखित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है, तो अणु का, मिश्रण का, यौगिक का, तत्व का, तो और अधिक विभाजन किसका नहीं किया जा सकता है, तो इसमें हम लोग राइट आंसर करेंगे अणु का, ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे आपके क्वेश्चन, जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपने ख्याल रखें, जय हिंद।